यहाँ पर वर्णन है कि महारानी कुंती बचपन में ही विधवा हो गई। इसके पीछे कारण है, जैसा हम देखते हैं महाराज पांडु वास्तविक रूप से व्यासदेव जी एवं अंबालिका के पुत्र हैं। अंबालिका और अंबिका ये दोनों विचित्र वीर की पत्नी थी और विचित्र वीर के बड़े भाई थे चित्रांगद, जिनको एक गंधर्व ने मार डाला था और विचित्र वीर की भी असमय में मृत्यु हो गई रोग के कारण। और तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया और वेदव्यास से निवेदन किया और वेदव्यास ने अपने योग शक्ति के द्वारा अंबालिका के गर्भ में महाराज पांडु को पुत्र के रूप में स्थापित किया। और महाराज पांडु की दो पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। एक बार जब महाराज पांडु जंगल में शिकार करने गए थे तो उस समय उन्होंने एक जगह एक हिरण को समझ करके तीर चलाया, हिरण पर तीर चलाया, शिकार किया, परंतु तो वास्तविक रूप से वह हिरण नहीं था, वो महा एक साधु थे ऋषि जिनका नाम था किदंब। और वो किदंब उन्हीं अपनी पत्नी के साथ भोग कर रहे थे जिनके ऊपर महाराज पांडु ने हिरण समझ करके तीर चलाया और इस प्रकार से उस तीर के कारण मुनि किदंब की मृत्यु हो गई। और मुनि किदंब ने उनको श्राप दिया, जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हो रही है अभी भोग करते हुए, यदि आपने कभी भी जीवन में भोग करने का प्रयास किया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। बड़ा कठोर श्राप हो गया। तो अब महाराज पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को ये बात बतलाई कि मैं तुम्हारे साथ सहवास नहीं कर सकता हूं और यदि मैंने सहवास करने का प्रयास किया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और तब कुंती महारानी ने उनको दुर्वासा मुनि के द्वारा दिया हुआ यह वरदान बताया, उस दिन बताया, इस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने मेरे को यह वरदान दिया है और बिना किसी भोग के भी मैं संतान प्राप्त कर सकती हूं। तब महाराज पांडु ने उनसे निवेदन किया कि वे पुत्रों की प्राप्ति करें और इस प्रकार से कुंती महारानी ने फिर धर्मराज का स्मरण करके उनसे युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त किया, इंद्र का ध्यान करके उनसे अर्जुन को प्राप्त किया, वायुदेव के द्वारा भीम को प्राप्त किया और फिर यह मंत्र माद्री को भी बताया और माद्री ने अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। किंतु इसके पश्चात एक दिन वसंत ऋतु के समय वन में महाराज पांडु अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए और उन्होंने माद्री के साथ भोग करने का प्रयास किया और ऐसे समय में उनकी मृत्यु हो गई। और महाराज पांडु की मृत्यु होने के पश्चात माद्री ने उनके साथ सती होने का निश्चय किया। वास्तविक रूप से कुंती बड़ी थी परंतु माद्री ने उनसे बताया कि ये पांच पुत्रों की देखरेख आप कीजिए और इसलिए ये जिम्मेदारी आप निभाइए और मैं सती होती। तो अब माता कुंती के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई
बचपन में कि पांच पुत्रों की पूरी देखरेख करना, उनको पाल पोस कर बड़ा करना, और फिर हम देखते हैं कि अंबिका का पुत्र हुए युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जो बचपन से अंधे थे, और विदुर महाराज ने कहा चूंकि ये अंधे हैं इसलिए नीति के अनुसार इनको राजा नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार से जो पांच पुत्र पांडव थे उनको राजा घोषित किया गया, परंतु चूंकि वो छोटे थे, बालक थे, इसलिए उनके देखरेख में ये राजकार्य दुर्योधन संभालने लगा। परंतु धीरे धीरे उसके मन में पाप बुद्धि आई और उसने ये राज्य को हड़पने का योजना बनाया और नाना प्रकार से उसने पांडवों की हत्या करने का उपक्रम किया। तो लगातार देखिए, पहले भी माता कुंती को इतने दुख झेलने पड़े, दुख मिले, और फिर भी इतने दुख मिल रहे हैं, और अंततः उनके दुख कई गुना बढ़ गए जब महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ जुआ खेलना स्वीकार किया, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के दुर्योधन के साथ जुआ खेलने के कारण क्या परिणाम हुआ, माता द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, पांडवों को वनवास मिला, और वनवास के बाद उन्हें अज्ञातवास में भी रहना था, और उस समय भीम को ब्रहन्नला बनना पड़ा, अर्जुन को अपना वेश बदलना पड़ा, और युधिष्ठिर महाराज, नकुल एवं सहदेव, तो सबको इतनी दुर्गति हुई। ये सारी दुर्गति सिर्फ एक कारण से थी, वो था जुआ खेलना। इसलिए महाभारत अनेक प्रकार की शिक्षाएं देती है, उनमें से प्रमुख यह है, यदि कोई व्यक्ति भले ही वो धर्मराज ही क्यों ना हो, भले ही वो धर्मराज, साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, परंतु यदि जुआ खेला गया तो परिणाम उतना दुर्गम हो सकता है और होगा। अर्जुन जैसे वीर को जो इतने शक्तिशाली थे, जिन्होंने भगवान शंकर को युद्ध में प्रसन्न किया, उन अर्जुन को ब्रह्मनला बनना पड़ा, एक हिंजड़े का रोल करना पड़ा, इतने शक्तिशाली व्यक्ति। तो इसका प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति भले ही कितना शक्ति संपन्न हो, कितना भी ज्ञानवान हो, धर्म का अनुशीलन करने वाला हो, परंतु यदि उसने जुए का आश्रय लिया, इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हुए, तो उनका परिणाम इतना जघन्य हो सकता है, सो डिवास्टेटिंग। तो अंततः वास्तविक रूप से जैसा श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां पर कि महारानी कुंती को पहले भी कष्ट हुए, इतने सारे कष्ट थे, और बाद में भी कष्ट हो रहे, लगातार कष्ट है उनको, परंतु माता कुंती इतने सारे कष्ट होने पर भी भगवान से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करती है, she is not complaining,
वो भगवान को इतने सारे कष्टों के कारण धन्यवाद ज्ञापन करती है, ये भगवान आपका धन्यवाद है क्योंकि मेरे जीवन में लगातार इतने सारे कष्ट है, मेरी चेतना, मेरा मन, मेरा ध्यान सदैव आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। तो इन सारे कष्टों का जो परिणाम है वो इतना शुभ है। शुभ इसलिए कि मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है। माई कॉन्सियसनेस इज कंप्लीटली सरेंडर्ड एट योर लोटस फीट एंड दैट इज ऑस्पिशियस। तो देखिए इतना बड़ा एक और शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाकर रखें तो सब कुछ शुभ हो सकता है, बड़ा से बड़ा अशुभ भी शुभ में परिवर्तित हो जाएगा सिर्फ एक कारण से, निरंतर भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया जाए। यह है रहस्य, दिस इज द सीक्रेट। घर के बाहर शुभ और लाभ लिख दोगे तो कुछ जो होने वाला नहीं है, सबको ही लिख रहे हैं, सबको ही कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ना तो मॉर्निंग गुड होती है, ना आफ्टरनून होता है, ना नाइट होती है, क्या हो जाता है? नहीं होता। तो वास्तविक रूप से इसको गुड करना है। और गुड की क्या बात, हम बेस्ट की बात करते हैं, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट मॉर्निंग, बेस्ट नाइट, बेस्ट आफ्टरनून, एवरीथिंग बेस्ट। सिर्फ एक कार्य कीजिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान रखिए, भगवान का गुणगान कीजिए, सब कुछ बेस्ट होगा, गुड की जरूरत नहीं है। क्या होगा? बेस्ट, उत्तम। इसका प्रमाण है कुंती महारानी, इतना भयानक जीवन, इतने सारे दुख लगातार एक के बाद एक, विवाह के पहले से प्रारंभ हो गए, इतना अच्छा विवाह होने के बावजूद भी दुख, और बाद में फिर नाना प्रकार के दुख, इतनी नाना प्रकार के कष्ट, दुख, निंदा, सब कुछ सहना पड़ा। फिर भी सब कुछ गौरवशाली बन गया, ग्लोरियस। आज इतिहास में सारे लोग उनका गुणगान करते हैं, तो उसका मूल कारण है उनकी भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति। यह मूल कारण। तो इसका शिक्षा यह है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति सदैव शरणापन्न रहें, तो कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी भीषण परिस्थिति हो, अंततः परिणाम शुभ होने वाला है, परिणाम शुभ होने वाला है यदि भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किया गया। इतनी सरल बात है और प्रमाणिक है, क्योंकि कुंती महारानी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुई, उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिए, भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं किया, हे भगवान मैं इतनी अच्छी भक्त हूं, मेरे को आप इतने सारे कष्ट दे रहे हो क्यों? उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान को धन्यवाद देती है, हे भगवान इतने सारे आपने जो कष्ट दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन कष्टों के होने के कारण आपके चरण कमलों के प्रति मेरी जो आसक्ति है, मेरी याद है,
वो कई गुना बढ़ गई, तीव्र हो गई। और ये तीव्रता ही मेरे जीवन की सफलता है। और ये सबसे बड़ी शिक्षा है हम सबके लिए, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी भीषण परिस्थिति हो, यदि हम भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं तो अंततः परिणाम शुभ होने वाला है, मंगलदायक होने वाला है। ठीक है, और कितनी भी अच्छी परिस्थिति दिखाई दे, मंगलमय परिस्थिति दिखाई दे, सब कुछ अच्छा लगे, परंतु यदि भगवान के चरण कमलों को भूल गए तो सब कुछ अशुभ होने वाला है, दुख का कारण बनेगा, पश्चाताप और लज्जा का कारण बन जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को याद रखिए, शास्त्रों में बताया गया, सदैव भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान बना रहे, उनकी भक्ति उनकी सेवा हमारे जीवन में बनी रहे, यही वास्तविक शुभ है, अन्यथा सब कुछ अशुभ है। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।